नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप दिवाकर है। मैं तुम लोग को आज बताने वाला हूँ कि कैसे एकदम आसान तरीके से मास्क बनाया जाता है। जो भी मार्केट में मास्क आ रहा है उसको दुगने भाव में बेचा जा रहा है। हमारे गांव के जो लोग, उनको मास्क नहीं मिल रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि मतलब हमें मास्क नहीं मिल रहा है कहाँ से क्या। तो भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं घर का जो कपड़ा होता है जो यूज नहीं होता, अगर यूज भी होता है, अगर आप लोग कभी कभार उसका यूज करते नहीं करते उसको बहुत आसानी तरीके से, और रुमाल होता है रुमाल, उससे मैं तुमको मास्क बना के दिखाता हूँ। और घर में जो औरतें लोग बाल पे बांधती हैं रबड़ का जूड़ा जिसे बोलते हैं या रबड़ हो, तो उन लोग उसका यूज करके मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलो तुमको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखो, ये सामान है जो यूज होने वाले हैं। ये है जो लेडीज़ लोग अपने बालों में बांधती हैं। ये देखो, अगर ये मोटा है, आप इसके अंदर जो रबड़ होता है ना, ये देखो रबड़, इसको आप निकाल सकते हो अगर तुम्हें नहीं जम रहा है तो। ये देखो निकालने के लिए है, ये देखो आप इसको निकाल सकते हो। ये देखो रबड़ है, अगर ये कपड़े नहीं चाहिए, नहीं जम रहा है तो निकाल सकते हो इसको भी। और किसी घर में रहता है नहीं रहता तो, अगर आप नहीं रहते हो तो ये भी किसी घर में होता है, ये भी यूज कर सकते हो। ये भी रबड़, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी यूज कर सकते हो घर में होगा तो। मतलब किसी घर में कुछ होता है नहीं होता। और ये धागे, अगर ये सब कुछ नहीं तो घर में कोई धागा होगा, धागे से भी आप बहुत अच्छा बना सकते हो। और ये रुमाल, ये 35x35 सेंटीमीटर का है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले रुमाल है, रुमाल को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद तीन फोल्ड करते हैं। एक फोल्ड हो गया, ये दो फोल्ड हो गया, और ये तीन फोल्ड हो गया। कोई भी कपड़ा होगा चलेगा, बस ऐसा होना चाहिए। ये हो गया, इसके पास हम लोग ये लेते हैं, इसको अंदर डालते हैं। देखो इसको डालते हैं ऐसा, और इसको हम लोग ऐसे करते हैं। ये जो है या ये वाला है, इन दोनों के बीच में, या इसको इसके अंदर है इसके अंदर, किसी भी डाल सकते हो। ये देखो इसके अंदर हमने कर दिया, डाल लिया इसका। अब इसको तुम अपने तरीके से अच्छे से सेटिंग करके बना सकते हो। ये देखो मास्क हमारा तैयार है। ये बहुत एकदम ईजी है। ये देखो मास्क अब तैयार है। आप इसको ऐसा भी पहन सकते हो, जब पहनोगे ना पूरे एकदम परफेक्ट दिखेगा। आप परफेक्ट बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ये देखो आप ये सब, ये रबड़ भी, ये जो रबड़ है इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। अभी मैं तुम लोगों को इसको अपने मुँह पर पहन के दिखाता हूँ। हमारा मास्क बन के तैयार हो गया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो मास्क बन के तैयार है मस्त से, अच्छा से। अब इसको मैं पहन के दिखाता हूँ तुम लोग को। ये देखो एकदम परफेक्ट है। आप अपने घर में कोई भी कपड़ा हो, रुमाल हो, अगर आपके पास रुमाल नहीं है, कपड़े, तो आप कोई 35x35 सेंटीमीटर कपड़े कैंची से या चाकू से काट के बना सकते हो बिना एक रुपये पैसा लगाए। और इसे एकदम फुल अच्छा भी लगता है। आप ये थोड़ा छोटा हो गया शायद, ये वाला परफेक्ट है। ये रबड़ छोटा छोटा, इसका थोड़ा बाहर आ रहा है। घर में होगा दोनों रबड़ बराबर का, छोटे बड़े इसका आ रहा है, लेकिन एकदम मस्त लग रहा है। आप ऐसे अपने घर में बिना एक रुपये लगाए के ऐसा मास्क बना सकते हो। मार्केट से कोई भी मास्क खरीदने कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो एकदम परफेक्ट। आप इसको निकाल के अपने जेब में भी रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, इसको धुल भी सकते हैं, गर्म पानी में धुलते रहना ऐसे। देखो फोल्ड करके घर पर रख लेना, जेब में रख लेना, और लगा भी सकते हो इसको ऐसा। ये देखो एकदम फुल परफेक्ट है, बिना एक रुपए लगाए ये मास्क बन के तैयार है। मार्केट में 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का मास्क मिलता है, अलग अलग टाइप के, जो कि काम एक ही करना है। सब मास्क का काम एक ही है, चाहे घर का कपड़ा हो चाहे किधर का कपड़ा हो, भी तो घर का ही कपड़ा रहता है, कहीं ना कहीं से लाते हैं। तो ऐसा क्यों ना हम बिना पैसा लगाए के फ्री में अपने घर पे मास्क बन के तैयार करते हैं। तो दोस्तों मास्क हमेशा पहन के चलना, हमेशा लगाना, अपने जेब में रखना, अगर यूज़ करने के टाइम तो घर पे रख देना, नहीं तो जब भी घर से बाहर निकलो मास्क लगा के निकलो, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत माहौल ख़राब है और लॉकडाउन भी बढ़ गए कुछ हरामखोरों की वजह से। तो कृपया करके हाथ जोड़ है, जोड़ के अपने घर पे रहिए, कहीं भी मत जाइए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।
यही निवेदन और सरकार का सपोर्ट कर, सरकार जो भी नियम कायदे कानून बना रहे हमारे लिए बना रही है, तो कृपया करें घर पे रहो, और जहाँ तक ज़्यादातर जरूरत हो, जहाँ तक जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो बाहर की बीमारी अंदर आ जाएगी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, अपने आसपास को भी तुम संक्रमित कर सकते हो। तो कृपया करके हाथ जोड़ से आप घर से बाहर निकलने के लिए सरकार, पुलिस प्रशासन, जो भी कर्मचारी हैं, कोरोना फाइटर्स हैं, उन लोगों का सपोर्ट करो, और मास्क हमेशा पहनो, जो भी नियम है हाथ धोना वगैरह वगैरह, मास्क पहनने सब डेली करते रहो, और गर्म पानी ज़रूर पीते रहना, और जो मास्क है इसको अगर घर का है तो उसको बार बार गर्म पानी में धुलते रहना। जय हिंद, जय भारत।